मोदी से जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 सदस्यों की मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात के बाद बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और अमौर से एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहना है आपको दिखाते हैं। नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या बढ़ी है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है ज्यादा, इसमें कोई ये नहीं है और उसी अनुसार 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है। तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़ेगा। इसलिए महामहिम से हमने कहा कि भाई इस जातीय जनगणना को हर हालत में करवाइए, आपका नाम बढ़ेगा, यह ऐतिहासिक निर्णय होगा। अब ये कब तक हुआ कहा बहुत गंभीरता से उन्होंने सुना है, बहुत इंटरेस्ट लिया है, इसलिए हम लोग समझते हैं कि जल्दी ही कोई निर्णय होगा और आगे उनके लिए पॉलिसी बनाया जाए, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन हो और जाति और सब जातियां जो है, कास्ट और सब कास्ट है, उनकी गिनती जरूरी है। चूंकि रिजर्वेशन का मामला आता है, कल्याणकारी योजनाएं बनती है, इसलिए हम लोगों ने मुतालबा किया है। और सिर्फ ये 11 रुकनी जो सर्वदलीय समिति है वो नहीं है, बल्कि 13 करोड़ बिहार की जनता की आवाज है और देश के सैकड़ों मैंने करोड़ की आबादी की आवाज है कि देश में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करने के लिए अब जनगणना में जाति आधारित जनगणना लाजिम है। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है और प्रधानमंत्री जी खुद भी चूंकि सबके साथ इंसाफ की बात कही है, सबका साथ सबका विकास की बात कही है, तो जब तक तमाम तर जातियों का सही आकलन नहीं होगा, जब तक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी, डॉक्टर अच्छी दवा नहीं लिख सकता है, जब तक तमाम तर जातियों की और सब कास्ट की गिनती नहीं होगी, सरकारी कल्याणकारी प्लान नहीं बनाया जा सकता है। एमआईएम साफ सुना जीतन राम मांझी को, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी से ये बात कही है कि बिहार में जातीय जनगणना बेहद जरूरी है, सभी वर्गों की गिनती बेहद जरूरी है। इसके अलावा अमौर के विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सबका विकास सबका साथ की बात करते हैं, उन्होंने हमारी बातों को बेहद ही ध्यान से सुना है। हालांकि उन्होंने अभी जातीय जनगणना के इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया है, उन्होंने हमारी बातों को बेहद ही ध्यानपूर्वक सुना है। अब आगे फैसला केंद्र सरकार की तरफ से क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।